अग्निपथ योजना के विरोध में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर युवाओं के जाम लगाने से उत्तराखंड रोडवेज की नॉनस्टॉप वॉल्वो बसें फंस गई हैं। हाईवे के दोनों तरफ एक दर्जन से ज्यादा नॉनस्टॉप बसें जाम में फंसी हुई हैं। वहीं जानकारी आ रही है कि ड्राइवर्स ने डिपो एजीएम को फोन करके इसकी जानकारी दे दी है। एजीएम ने आदेश दिए हैं कि बसें सुरक्षित जगह पर लगाई जाएं और उपद्रव की स्थिति में जबरन बस संचालन न किया जाए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जाम होने के चलते रोडवेज की बसें जाम में ही फंसी रहीं। जिन बसों को दोपहर तक रुड़की आना था वो शाम तक लौटी। इसके चलते बस अड्डे पर दिल्ली की भीड़ जमा हो गई। परिवहन निगम के अधिकारियों ने ऋषिकेश और हरिद्वार रूट की बसों को हटाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार को भारत बंद के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे संदेश को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट पर थी। प्रदेश भर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों समेत अन्य संवेदनशील जगहों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी जिलों के प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।